Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 31st of January 2023, Tuesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Recommended play speed for this video is 1.25x. Thought of the day is successful people maintain a positive focus in life no matter what is going on around them. And these are the Mint newspaper headlines, and these are Business Standard news headlines. And in today's discussion, we are going to cover approximately 9 important articles, 3 from Mint and remaining from Business Standard. So let us start with article number 1 of Mint paper. IMF retains India's GDP growth outlook for next fiscal year at 6.1%. कल मंडे को IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट पब्लिश करी है और उसके अकॉर्डिंग IMF ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी है वो अब है अप्रॉक्सीमेटली 6.1%. तो IMF के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एंड विल रीटेन द फोरकास्ट ऑफ 6.1% इन द लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक. और IMF के अकॉर्डिंग इंडियन इकॉनमी में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो रिजिलियंट रहेगी, हालांकि एक्सटर्नल डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं डेंट अप होगी बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी कंडीशन ब्लोइंग आउटसाइड द इंडिया. लेकिन इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक डिमांड जो इंडिया की है उस पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा. दैट इज़ वाई इट विल रिफ्लेक्ट अ रिजिलियंट डोमेस्टिक डिमांड, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.1% तक जाएगी, क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो प्रोडक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्टेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, एक्सपेंडिचर को, कंजप्शन को बूस्ट करेगी. हालांकि फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है. फाइनेंशियल ईयर 23 में जो एक्सपेक्टेशन थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 6.8%. तो 6.8% से रिडक्शन है 6.1% का. तो IMF के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया की जो अप्रॉक्सीमेट GDP ग्रोथ रहेगी वो 6.8 रहेगी, फाइनेंशियल ईयर में 6.1, और ये दोबारा से रीबाउंड करेगी फाइनेंशियल ईयर 25 में अप्रॉक्सीमेटली 6.8% तक. और ये रिपोर्ट जब आई है जबकि इंडिया जो है यूनियन बजट प्रेजेंट करने जा रहा है वेडनेसडे को, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो अपकमिंग यूनियन बजट है दिस विल इंसुलेट इंडिया from the external headwinds and geopolitical uncertainty. तो ये बजट ऐसा anticipate किया जा रहा है कि इंडिया पर minimum impact पड़े global recession का और geopolitical tension का, geopolitical uncertainty का. और इसके ही साथ इंडिया is more probably fiscal consolidation पर भी focus करेगी. तो dual challenges हैं, एक side economic growth को भी maintain रखना है, दूसरा side फिस्कल कंसोलिडेशन भी है. तो गवर्नमेंट के लिए ड्यूअल चैलेंजेस हैं इस बार. हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्कीम्स के एक्सटेंशन से गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश करेगी. अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो 2023 में जो इंडिया की GDP ग्रोथ थी दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.8% जो कि एंटिसिपेट की जा रही है, उससे रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ हमें 24 में देखने को मिलेगी. इस बात को लेकर के तो बहुत सारा यूनानिमस कंसेंसस मेंटेन है कि प्रॉबेबली 2023 से कम GDP ग्रोथ 2024 में देखने को मिलेगी, और उसका जो रीज़न है दैट इज़ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. लेकिन 2024 के बाद ये वापस से पिकअप करेगी एज पर द IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. और अगर हम इंडिया के प्रोजेक्शन की बात करें तो IMF का प्रोजेक्शन रह गया, अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही प्रोजेक्शन किया है. थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन हो सकता है फॉर 24, हालांकि 23 के लिए जो IMF के अकॉर्डिंग RBI का भी प्रोजेक्शन है कि 23 में जो इंडियन इकॉनमी है वो 6.8% की ग्रोथ रेट अचीव कर रही है, और यही सेम प्रोजेक्शन IMF ने भी दिया था. प्रोबेबली 24 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 6 के आसपास का ही प्रोजेक्शन दे सकती है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मिंट पेपर. शेयर्स ऑफ सम अदानी ग्रुप्स फॉर्म कंटिन्यू शार्प डिक्लाइन. कॉन्ट्रोवर्शियल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहे हैं, हम सभी जान रहे हैं इस समय.
इस न्यूज़ के बारे में। हालांकि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं उस रिपोर्ट की वैलिडिटी को लेकर के, उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को लेकर के, जो ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है उसके इंटेंशन को लेकर के भी दोनों साइड से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। ओवरऑल इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के बीच में जो अदानी ग्रुप की फॉर्म्स हैं, जो अदानी ग्रुप की कई सारी कंपनीज़ हैं उनके शेयर जो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं उनमें हमें कंटिन्यू शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स आर नॉट बिलीविंग द ट्रांजेक्शंस और द रीजंस और द आर्ग्यूमेंट पुट बाई अदानी ग्रुप। तो लगातार तीसरे दिन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में डिक्लाइन देखने को मिला है विद द ट्रेडिंग इन सम हॉल्टेड एज दे हिट सर्किट ब्रेकर्स। हालांकि अदानी इंटरप्राइजेस में कुछ एक रिकूप देखने को मिला बिकॉज दैट ग्रुप इज एक्चुअली रनिंग द इंडियाज लार्जेस्ट फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग FPO। और अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5.7 ट्रिलियन यानी $70 बिलियन का लॉस इन्वेस्टर्स फेस कर चुके हैं थ्रू अदानी ग्रुप स्टॉक्स आफ्टर द रिपोर्ट्स ऑफ हिंडनबर्ग, जहाँ पर हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया था अदानी ग्रुप पे कि इनकी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं दैट इज़ फ्रॉड, उन्होंने विंडो ड्रेसिंग करी है, मैनिपुलेशन किया है स्टॉक्स में जिसकी वजह से अदानी के स्टॉक बढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ऑन ग्राउंड कंपनी की परफॉर्मेंस में उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं। और इसी रिपोर्ट के बाद से लगातार 3 दिनों से अदानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहे हैं। ऑल दो अगर हम कई सारे कंपनीज़ के स्टॉक को देखें, अदानी ग्रुप की कई सारी जो कंपनीज उनके स्टॉक्स को देखते हैं उसमें अदानी इंटरप्राइजेज जो है वो थोड़ा सा रिकूप कर पाया है लॉसेस को, जिसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी 50 में क्लियरली विजिबल रहा कल के सेशन में। निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली 0.25% का गेन रजिस्टर किया और यही सेम ट्रेंड हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिला। कल के ट्रेडिंग सेशन में अप्रॉक्सीमेटली 0.29% हायर पर क्लोज हुआ सेंसेक्स में बिकॉज ऑफ द लिटिल एप्रिसिएशन इन अडानी इंटरप्राइजेस स्टॉक प्राइसेस। एंड दिस इज द इंट्राडे अडानी ग्रुप स्टॉक मूवमेंट, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। डिफरेंट डिफरेंट जो अदानी कंपनीज हैं अडानी ग्रुप की उनमें कैसा कैसा मूवमेंट हमें देखने को मिला। ACC, अंबुजा सीमेंट और अदानी इंटरप्राइजेस में पॉजिटिव मूवमेंट रहा, जबकि जो अदर ग्रुप अदर कंपनीज हैं ग्रुप की उन सब में निगेटिव या डिक्लाइन ट्रेंड देखने को मिला। एंड दिस इज द अदानी FPO एंकर इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड शॉर्टफॉल। जब मेजर अगर हम देखें तो अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस में हमें जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो टोटली हाफ होते हुए दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। अनसिक्योर डेट टैग फॉर गवर्नमेंट ड्यूज टू फैसिलिटेट IBC रेस्क्यू। तो गवर्नमेंट इस बार IBC में कुछ अमेंडमेंट लाने जा रही है, हमने इससे पहले भी इस न्यूज़ को कवर किया था। तो गवर्नमेंट मूव्स टू अमेंड द IBC इज सेट टू क्लियर द एयर ऑन द टैक्स ड्यूज ऑफ फेल्ड बिजनेस एंड देयर बैंकरप्सी रेजोल्यूशन एज पर द एक्सपर्ट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो IBC में चेंज लाएगी इसके बाद से प्रॉबेबली ऐसी कंपनीज जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में हैं उनके जो टैक्स हैं उनको ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा इसको लेकर के क्लैरिटी होगी। तो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री इज़ ऑल सेट टू क्लियर द ऑल डाउट्स बिकॉज ऑफ अराइजन बिकॉज ऑफ द IBC। तो IBC के अंदर डेट रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं फॉर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स उन सब को क्लियर करेगी कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री इन अपकमिंग सेशंस। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट का जो ये मूव है IBC को रेस्क्यू करने का, IBC को इसके बाद बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर के, स्पेशली ऐसी कंपनीज जो कि स्ट्रेस की सिचुएशन में है, जो कि बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में है, कि किस तरीके से जो डिस्ट्रेस कंपनीज उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों ही अथॉरिटीज़ को ये क्लैरिटी दी जाएगी। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री इज़ एक्चुअली प्लानिंग फॉर दिस सेशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। अदानी ग्रुप स्टॉक राउट्स हिट्स 5.6 ट्रिलियन इन 3 डेज। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के भी आज फ्रंट पेज में अदानी ग्रुप के स्टॉक की ही न्यूज़ है। और बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लास्ट 3 डेज से अगर हम देखें तो अदानी ग्रुप का जो शेयर है, जो वेल्थ है, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 ट्रिलियन तक इरोड हो चुकी है। और किस लिए ये इरोजन देखने को मिला? सिंपली बिकॉज ऑफ दैट रिपोर्ट ऑफ हिंडनबर्ग। और इसमें से 1.4 ट्रिलियन तो केवल और केवल मंडे को ही शेव्ड ऑफ हुआ है आफ्टर द ग्रुप इशूड अ रिबटल
क्वेश्चन द एलिगेशन ऑफ फ्रॉड मेड बाई द हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। और जर्मनी की बड़ी बड़ी कंपनीज है एनर्जी गैस इन सब में अप्रॉक्सीमेटली 20% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है, अदानी ट्रांसमिशन 15%, क्योंकि हम अभी ऑलरेडी मिंट की न्यूज़पेपर में कवर कर चुके हैं। जो थ्री स्टॉक्स को अगर ओवरऑल देखें तो लास्ट थ्री डेज में अप्रॉक्सीमेटली 40% का डिक्लाइन इन तीनों स्टॉक्स में देखने को मिला है, एनर्जी गैस एंड ट्रांसमिशन सेक्टर में। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अडानी इंटरप्राइजेस में कुछ एप्रिसिएशन देखने को मिला जिसकी वजह से कुछ गेन निफ्टी और सेंसेक्स में रजिस्टर हुआ। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन आल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। आईएमएफ इंडिया चाइना में ड्राइव हाफ ऑफ 23 ग्लोबल ग्रोथ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसको ही फ्रंट पेज में पब्लिश किया है और उसने कुछ अलग आस्पेक्ट से इस न्यूज़ को पब्लिश किया है। मिंट ने इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ को फोकस किया है, जबकि जो बिजनेस स्टैंडर्ड का दैट इज द रीजनल फोकस यानी एशिया रीजन की बात करी है। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना ऐसे दो कंट्री हैं जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ यानी फाइनेंशियल ईयर 23 की जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका मेजर पार्ट अगर हम बोलें 50% कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एज पर द IMF। तो IMF के अकॉर्डिंग 6.8% की ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 और चाइना भी एक मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर करेगा। दोनों ही कंट्रीज मिल करके इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका आधा कॉन्स्टिट्यूट करेंगे यानी 50% कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर ओवरऑल इकोनॉमीज को देखें तो इंडिया इज स्टिल ऑन अ ब्राइट पॉइंट और अ स्पॉट एज पर द IMF। और अगर एग्जैक्टली हम IMF के वर्ड देखें तो इंडिया एंड चाइना टुगेदर विल अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ दिस ईयर वर्सेस जस्ट अ टेंथ ऑफ US एंड यूरो एरिया कंबाइंड। तो 6.8% टू फाइनेंशियल ईयर 23, 6.1% इन फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 6.8% अगेन इन फाइनेंशियल ईयर 25 एज पर द IMF। एंड दिस इज द ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक फॉर इंडिया चाइना US यूरोजोन UK एंड वर्ल्ड एज अ होल। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट 2023 और 2024 के लिए फोकास्ट किया है IMF ने। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बजट हो बिगर पुश फॉर PLI स्कीम। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट अपकमिंग बजट में PLI पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है। हमने डिस्कस भी किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 13 सेक्टर में PLI को ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया गया है प्रीवियस ईयर में और इस बार 6 और सेक्टर में इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके अलावा टेक्सटाइल और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर PLI को और ज्यादा ब्रॉड भी किया जा रहा है इन ऑर्डर टू इंक्लूड मोर एंड मोर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इन ऑर्डर टू इंप्रूव इन मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। और ये PLI स्कीम गवर्नमेंट ने कम लॉन्च की थी डेफिनेटली अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम। जो पैंडेमिक के टाइम पे ये स्कीम गवर्नमेंट ने लाई थी आत्मनिर्भर भारत, उस समय ये PLI स्कीम लाई गई थी किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और अप्रॉक्सीमेटली $23.5 बिलियन एलोकेट किए हैं गवर्नमेंट ने फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो कि आगे आने वाले 3 से 5 सालों में डिस्बर्स होगी और डेफिनेटली इट विल गिव अ ह्यूज और बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। और चूंकि बजट भी आने वाला है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर एक्सपेक्टेशन देयर आर स्पेकुलेशन कि जितनी भी ये PLI स्कीम है इनको ब्रॉड किया जाएगा, इनको और इंडस्ट्री में भी एक्सटेंड किया जाएगा, जैसे कि IT प्रोडक्ट्स में भी PLI स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर के बताइए। ये PLI एक्सटेंशन की न्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो नई PLI स्कीम आ रही हैं जो कि अंडर डिस्कशन है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10% तक गवर्नमेंट और ज़्यादा फंडिंग कर सकती है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर कितना होगा वो बजट के बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए अगर PLI स्कीम को देखें तो 13 से 14 इंडस्ट्री या सेक्टर में PLI स्कीम जो है वो एप्लीकेबल है। अप्रॉक्सीमेटली 384 कंपनीज ऐसी हैं जो कि एलिजिबल हैं इन स्कीम्स के लिए PLI स्कीम के लिए और किसी ना किसी तरह का बेनिफिट या इंसेंटिव गवर्नमेंट से ले रही हैं। तो ग्लोबल और होम ग्रोन कंपनीज हैं अप्रॉक्सीमेटली 384 कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट 14 इंडस्ट्री। और एक्सपर्ट का कहना है कि हालांकि इनिशियल लेवल में एंट्री जो होती है इस स्कीम में वो आसान है लेकिन चैलेंजेस को मेंटेन करना, बने रहना इस PLI स्कीम में, कमिटमेंट को अचीव करना, दैट इज़ एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग एंड दैट इज़ व्हाई कंपनीज आर एक्चुअली
being little hesitant for entering into this PLI scheme, क्योंकि PLI scheme के तहत government incentive दे रही है, financial incentive दे रही है, tax holidays दे रही है, tax incentive दे रही है, तो definitely government ये भी चाहती है कि जो आप production कर रहे हैं उसका कितना percent और कितना value का percent, कितने amount में आप export करें. Domestic selling allowed नहीं, क्योंकि PLI scheme का सीधा focus government का यही है कि India का जो export है वो boost हो, India का manufacturing sector boost हो, और global supply chain में India जो है वो एक important partner के form में emerge. So this is the push for self-reliance. First year, financial year 22 से लेकर के financial year 24 तक का data दिया हुआ है. Different scheme, mobile PLI, medical devices, telecom, pharma, IT, speciality, steel and battery. Implementation delayed by year. तो more or less सभी केसों में हमें implementation जो है वो delayed दिख रहा है because of lot of legal और technical hurdle. तो probably government इस upcoming budget में इन hurdles को, इन challenges को remove करने की कोशिश करेगी जिससे कि जो PLI scheme के maximum benefit realize किए जा सकें. अब देख लेते हैं some short news articles from Business Standard. Financial year 24 borrowings at new high, softer RBI to help bonds. तो बजट आने वाला है, बजट को लेकर के कई सारी स्पेकुलेशंस भी हैं, हम सारी स्पेकुलेशन को अप्रॉक्सीमेटली डिस्कस भी कर चुके हैं. इस पर्टिकुलर न्यूज़ में गवर्नमेंट बोरोइंग की बात करी गई है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 24 में कितनी बोरोइंग करेगी, और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि प्रॉबली इस फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट है दैट इज लाइकली टू पेग इट्स ग्रॉस मार्केट बोरोइंग फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एट फ्रेश रिकॉर्ड हाई. तो ये मानना है एक्सपर्ट के अप्रॉक्सीमेटली रुपी 15.5 ट्रिलियन तक की बोरोइंग कर सकती है गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में, इन कंपैरिजन टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर जब गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 14.3 ट्रिलियन की बोरोइंग करी. 2023 से इंक्रीज करके ऐसा कहा जा रहा है कि जो बोरोइंग है गवर्नमेंट की वो इम्प्रूव करेगी अप्रॉक्सीमेटली 15.5 ट्रिलियन तक. तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी तो गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज़ भी इशू करेगी, कई तरह के बॉन्ड पेपर या इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू करेगी. और फिलहाल के लिए मार्केट जो है बहुत ज़्यादा इसके लिए ईगर नहीं है, बहुत ज़्यादा व्याकुल नहीं है, ऐसा मानना एक्सपर्ट का. और बहुत ज़्यादा बॉन्ड के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन भी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल 23 में बहुत ही सिग्निफिकेंट बोरोइंग करी. तो इस बार अगर मार्जिनली इंक्रीज भी हो रही है बोरोइंग तो उसका इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेगा एज पर द एक्सपर्ट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. SBI टू रेज $500 million थ्रू ग्रीन बॉन्ड. तो कंट्री के जो लार्जेस्ट लेंडर हैं, कौन है लार्जेस्ट लेंडर, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रॉक्सीमेटली $500 million का फंड रेज करने जा रही है. कैसे रेज करेगी, ग्रीन बॉन्ड के थ्रू रेज करेगी. डेफिनेटली अगर ग्रीन बॉन्ड के थ्रू फंड रेज कर रही है SBI तो वो जितना भी अमाउंट है यानी $500 million जो भी कलेक्ट करेगी दैट विल बी यूज फॉर ओनली फॉर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. और माइंडेड स्टूडेंट, इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग यू मस्ट बी नोइंग कि गवर्नमेंट भी अप्रॉक्सीमेटली 8,000 crore की सिक्योरिटीज इशू करने जा रही है जस्ट फॉर दीज ग्रीन और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट फंडिंग. तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी 8,000 crore का ग्रीन बॉन्ड इशू करने जा रही है, और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 1 billion का फंड रेज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट दो ट्रेंचेस में, फरवरी में के दो डेट्स में, एक जनवरी और एक फरवरी की दो डेट्स में डिफरेंट अमाउंट के ग्रीन बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर रही है. सो दिस इज कोइंसाइडिंग विद SBI's ग्रीन बॉन्ड फंड रेजिंग एक्सरसाइज. और SBI के अकॉर्डिंग जो 500 मिलियन है बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं, इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्टरी नेचर. SBI फिलहाल के लिए मार्केट को टेस्ट करने के लिए इतने अमाउंट का फंड रेज कर रही है. प्रोबेबली आगे आने वाले टाइम में अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो SBI इससे ज़्यादा के एक्चुअल इशुएंस कर सकती है, दैट विल डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन एंड प्राइसिंग. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. FM शुड कट सेस टैक्स ऑन फ्यूल सरचार्ज ऑन पर्सनल टैक्स. तो बेसिकली ये एक इंटरव्यू है मिस्टर पी चिदंबरम का, और उसमें उनसे पूछा गया है कि अपकमिंग बजट में उनकी क्या एक्सपेक्टेशन, उनको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 24 के बजट के लिए. जो की पॉइंट उन्होंने बोले वो ये है, वो बेसिकली पी चिदंबरम के अकॉर्डिंग जो अपकमिंग बजट है दैट शुड बी मोर लिबरल, एक्सपेंशनरी नेचर का होना चाहिए. जो डिफरेंट सेस हैं, सरचार्ज हैं, टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करे इन ऑर्डर टू गिव मोर मनी सप्लाई टू द मार्केट सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी फ्यूएल्ड अप. तो इफ़ यू वांट टू
अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू इन डिटेल, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, ऑल्दो केवल रिकमेंडेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो हमारे प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके अकॉर्डिंग अपकमिंग बजट में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए एज पर द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वॉन्ट लेक्चर PDF, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन, यू कैन राइट ऑन कॉमेंट सेक्शन बिलो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.